पिछले वीडियो में हम भविष्य मल्लिका में लिखा गया कुछ भविष्यवाणी के बारे में जाने थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेकिन भविष्य मल्लिका में ना ही केवल कलयुग के अंत का संकेत दिया गया है, बल्कि कलयुग का अंत करने वाले कल के अवतार के बारे में भी लगभग 6 भविष्यवाणी किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं कहूंगा, बस आप सबसे ये विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे नहीं पता कि पंचसखस की भविष्यवाणी सच है या झूठ, लेकिन अगर आप इसे सच मानते हैं तो अपने लालच स्वार्थ अहंकार से बाहर आकर अपना संपूर्ण सामर्थ्य से प्रयास कीजिए कि अंतिम क्षणों में भी सही धरती माता की थोड़ा सा भी कर्ज चुकाया जाए। क्योंकि अगर यह भविष्यवाणी सच हो जाता है तो कुछ दिनों के अंदर कुछ नहीं बचेगा, ना पैसा का कोई मोल होगा और ना ही पैसों के लिए अहंकार में खुद का बड़ा समझकर दूसरों को नीचा दिखाने वाला। भविष्य मालिका के अनुसार कल की अवतार का जन्म ओडिशा में होगा। वो अपना प्रचार से विमुख होगा और अपने भक्तों के साथ ज्यादातर जंगलों और भीड़ से दूर स्थानों में जुड़े रहेंगे। उनके भक्त भी खुद को छुपाए रखेंगे कि वो कली के प्रकोप के तहत एक यातनापूर्ण जीवन जीते हैं। जगन्नाथ मालिका, शिशु अनंत मालिका और हरिदास मालिका के अनुसार उनका नाम चक्रधर होगा। वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से एक विश्व युद्ध का शुरुआत करेंगे, जिसके विनाश से लोगों के दिलों में भरी आतंक पैदा होगा, जो इसे 1000 साल तक नहीं भूल पाएंगे और कई लोगों को मार डालेंगे और असक्षम बना देंगे। युद्ध के बाद लोग एक नए समाज के पुनर्गठन में एकजुट होंगे। मंदिरों और कई अज्ञात भूमिगत स्थानों में छुपा धन लाभकारी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। सभ्यता नए सोच के साथ आगे बढ़ेगी। अच्युतानंद और हरिदास मालिका के अनुसार भगवान जगन्नाथ बलभद्रा देवी सुभद्रा अवतार लेंगे और वे भी छुपे रहेंगे। विनाश के लगभग 65 साल बाद ओडिशा का अगला राजा होगा अनंत केशरी। हाल ही में पूरी जगन्नाथ मठ के भव्य सुंदरता के लिए चंदा इकट्ठा करा जा रहा है। दान लेने वाले पुजारी साझा किया है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य कोई दिलचस्प नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि परियोजना पूरी होने से पहले ही एक विशाल चक्रवात का संयोजन, एक बहुत बड़ा भूकंप और एक बड़ा समुद्र उछावल उड़ीसा पर हमला कर देगा। कोई भी शहर या गाँव सुरक्षित नहीं होगा। भूकंप से शंकराचार्य का आसन भी भूमिगत हो जाएगा। अब देखते हैं चक्रधर के बारे में ओडिया भाषा में भविष्य मल्लिका में क्या लिखा गया है। पंचसखा मल्लिका के 32वें पन्ने पर बताया गया है कि महाभारत काल के 74,000 भक्त और ऐतिहासिक आत्माएं कैसे जन्म लेंगे और श्री चक्रधर की ओर आकर्षित होंगे। श्री शिशु अनंत मल्लिका में लिखा गया है, चौस्त्री हजार भगावता पुना 16 को सामर्थ्य हेवे जनामा इथु अधि के 16 सरकार चौसाती महंत जन्म आवारा अष्टा सेनापति एति संगारे जन्मा होइबे नांदी जाति रे वैश्यनवा नही ना गृहारे थीबे बाला का स्वरूपे प्रभु मिलीबे जहारा जेउन सेवा अधिकार डाकिनी देवा से श्री चक्रधार। अब देखते हैं इसका तात्पर्य क्या है। एक निर्दिष्ट स्थानों में 74,000 भक्त जन्म लेंगे, 64 धार्मिक नेता भी जन्म लेंगे, विभिन्न जातियों का 8 मिलिट्री जनरल का जन्म होगा, वह सब गृहस्थ जीवन जिएंगे, वह भगवान को एक बच्चे की तरह साथ पाएंगे और भगवान उन्हें उनके कर्तव्य के बारे में अवगत कराएंगे। अच्युतानंद शून्य संहिता के 4 अध्याय की 99 पन्ने में लिखा गया है, काली से वेले घोर तमा अच्छा दिवा पूछना बोली बाकू के ही जेने नाथीबा इमानती देखी ना ये अपने जगन्नाथ बेनी हते धारी खंडा नासी बे दैत्य 11 संबल नागरे विष्णु शर्मा घरा जानावानी तपस्या करीवे चक्रधरा अंधकार नासी भक्ता उदय करीवे निराकार मंत्र दई काला मसा नासीवे। इसका अर्थ है कलयुग के अंत में मूल्यों में भारी गिरावट आएगी, यहाँ तक कि कृष्ण नाम लेने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। इसके साक्षी भगवान जगन्नाथ अवतार लेंगे और अपराधियों का अपने तलवार से अंत कर देंगे। गया के संबल नगर में चक्रधर का जन्म होगा, जो अपने बचपन के दिनों से ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करेंगे। वो मानव जाति की पीड़ा को समाप्त करने के लिए निराकार मंत्र देंगे। अगाथा भविष्य मल्लिका के 60वें पन्ने पर लिखा है, करना देई सुना सुजाने कलियुग बिचारा कल की रूपा रे जाना माहे वे श्री चक्रधरा। इसका अर्थ है इस कलयुग में जो भी अभी तक धर्म को पकड़े हुए है वो सब अपने कानों से सुने कि कल की अवतार से चक्रधर के रूप में जन्म लेंगे। उनका जन्म चक्रधर महादेव के रूप में ओडिशा के जिले मयूरभंज की एक बहुत ही दूरस्थ आदिवासी गांव में हुआ था। उसके माता पिता ने बच्चों के लिए आशा छोड़ दी थी,
जब माँ ने अपने सपने में एक दिव्य व्यक्तित्व को अपने हाथ में चक्रों के साथ देखा, जिसने अपने बेटे के रूप में पैदा होने का वादा किया था। फिर वो गर्भवती हो गए और 12 साल तक गर्भ धारण किया। ये माता पिता के लिए बहुत निराशा की अवधि थी, लेकिन उन्हें दिव्य व्यक्तित्व से बार बार मिलने का आशीर्वाद मिला, जो उनकी आत्मा के उत्थान के लिए आए थे। अंततः 12 फरवरी 1976 को एक बच्चे का जन्म हुआ। दिव्य व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए उनका माता पिता ने उनका नाम चक्रधर रखा। उनका जीवन का 40 वर्षों का था, जिसके दौरान उन्होंने एक बहुत ही सामान्य लेकिन गुप्त और अगोचर जीवन व्यतीत किया। यहाँ तक कि उन्होंने भारत और उसके बाहर कई राज्यों के भक्तों के साथ समय समय पर बातचीत की। उन्होंने लोगों की औपचारिक निगाहों से दूर रहना पसंद किया। हालांकि उन्होंने भारत के धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को अपनी उपस्थिति से अवगत कराया, ये अच्छी तरह से जानते हुए भी कि वो विश्वास नहीं करेंगे कि वो आए थे। वो कभी भी प्रशंसा नहीं चाहता था और उसके खिलाफ सामान्य आरोप भी धरी और बिना दुश्मनी के सहन करता था। उन्होंने अपने भक्तों को कहा था, जब भी मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ तो प्रलय का यह परिवर्तन होता है। मैं एक युग से दूसरे युग में दुनिया का नेतृत्व करने आया हूँ। इस तरह की अवधि बेहद समस्याग्रस्त और विनाशकारी होती है। पृथ्वी पर मेरी भौतिक उपस्थिति के बिना ऐसी परिवर्तन का प्रबंधन करना कठिन है। जब आप उस जगह पर एक नया घर बनाना चाहते हैं, जहां आपका पुराना घर खड़ा है, तो आपको पुराने ढांचे को नीचे लाने की जरूरत है, ताकि नया उसकी जगह ले सके। हाँ, आज लोग और राजनेता दोनों धर्म के बारे में भूल गया है, लेकिन धर्म के रूप में ये जल्द ही विश्व स्तर पर अपना सर उठाएगा और लोगों के साथ और विपक्ष में चर्चा का केंद्र बन जाएगा। इस दुनिया में सभी धर्मों का एक स्थान है, लेकिन भौगोलिक रूप से उनके अलग अलग स्थान है, जहां वे अपने व्यक्तिगत रूपों में शक्तिशाली है। वो पुनरुद्धार और बदलाव होगा, प्रत्येक अपने स्रोत पर लौट आएगा, खत्म होगा अतिक्रमण। भारत दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा, क्योंकि ईमानदार साधक और शोधकर्ता इसके दर्शन शास्त्र और धर्म निरपेक्ष ग्रंथों में दुनिया को पीड़ित करने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। सुखावत की वर्तमान पश्चिमी विद्या दुनिया पर अपनी पकड़ खो देगी। लोग मानव प्रकृति और मानवता के महत्व और प्रकृति के साथ उनके संबंधों को फिर से खोज लेंगे, लेकिन ये बदलाव आसानी से नहीं आएंगे और वर्तमान संस्कृति के प्रतिनिधियों द्वारा हर कदम पर चुनौती दी जाएगी। वे बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे और अंत तक नष्ट हो जाएंगे। लोगों की पीड़ा कई स्तरों पर बढ़ेगी, क्योंकि वास्तविक स्तर पर आर्थिक और मौद्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा। देश बाहरी और आंतरिक स्तरों पर अशांति का गवाह बनेंगे। ये अपने पड़ोसियों के साथ एक शातिर युद्ध में खींचा जाएगा। वो युद्ध एक बहुत ही विनाशकारी भूकंप के साथ समाप्त हो जाएगा, जो पूरे युद्ध क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। देश की ठीक होने पर भी भीतर की स्थान व्यवस्था में भारी बदलाव आएगा। ऐसे लगेगा जैसे सभी समस्याओं को जीत लिया गया है, लेकिन फिर एक बहुत ही क्रूर विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। यह पृथ्वी पर शायद ही कभी देखी गई विशाल प्राकृतिक आपदाओं से समान रूप से मेल खाएगा। परिणाम स्वरूप वर्तमान विश्व का भूगोल बदल जाएगा। जो कुछ भूमि है उसका अधिकांश भाग जल के नीचे होगा। महासागरों के नीचे से नई भूमि का उदय होगा। वर्तमान आबादी का केवल 25% ही तबाही से बचेगा। इसमें से 15% विकलांग होंगे। पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं जीवित रहेंगे। महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:1 होगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका अपनी अधिकांश जमीन अपने पास रखेंगे। जब भविष्यवाणियां होने लगेंगे तो घटनाएं तेज और निर्णायक होंगी। आज के अहंकारी लोग अपने दिल में बड़े डर के साथ ही बेबसी को देख सकते हैं। एक बहुत ही उन्नत सभ्यता की निवासी तबाही के बाद दिखाई देंगे। पुनर्निर्माण के लिए धन उन मंदिरों से आएगा, जिनके खजाने के दरवाजे उन लोगों के कहने पर खुलेंगे। आप वे गुमनाम जीवन जी रहे हैं। दफने हुए धन को पूर्व ज्ञान वाले लोग खोद के प्रकट करेंगे और उसे खोदने में मदद करेंगे। जैसे जैसे सभ्यता धीरे धीरे पुनर्गठित होती है, 2035 के आसपास बहुत ही उच्च आध्यात्मिक आत्माएं मानव रूप में जन्म लेंगे। खोई हुई आध्यात्मिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए सार्वभौमिक अभिलेखनों में तप करेंगे। यह ज्ञान पूरे विश्व में फैल जाएगा और लोग लाभान्वित होंगे।
और उस ज्ञान के लिए आभारी होंगे जो भारतीय उपमहाद्वीप से फैलेगा और जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर के लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होगा। आध्यात्मिकता में वृद्धि व्यक्तियों और निर्गुण ब्रह्मों के बीच एक सीधा संबंध स्थापित होगा। वो ज्ञान और अभ्यास निस्वार्थ आत्माओं द्वारा फैल जाएगा जो खुद का गुरु के बजाय सबका भाई मानेंगे। हाँ, एक स्वर्ण युग आएगा, लेकिन क्या आप इससे पहले होने वाले विशाल युद्ध और विनाशों के लिए तैयार है? एक बार घटनाएं शुरू होने के बाद उन्हें रोका नहीं जा सकता। मैं सभी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, यहाँ तक कि उनका भी जो मेरे सामने आकर आत्मसमर्पण कर चुका है। आने वाले समय के लिए सभी को खुद को तैयार करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम फैले। मैं नाम या प्रसिद्धि के लिए या किसी भी तरह के चमत्कार करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं नए दुनिया को नया स्वरूप देने आया हूँ। मैंने अपने भक्त से मिलने आया हूँ जिनसे 4 से 5 हजार साल के चक्र में एक बार भेंट होता है। मेरे आना